अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रिहा किरण, आई एम अ ब्यूटिशियन। तो मेरी प्यारी प्यारी सी सिस्टर, कैसे हैं आप सब लोग? तो जी, आज मैं आपके साथ सोन सीक्रेट स्किन पॉलिश शेयर करूंगी, जो कि हर सोन वाली आपसे छुपाती हैं। जो स्किन पॉलिश मैं खुद अपने सलॉन्स पर यूज़ करती रही हूँ, वही सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन सी वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि सलॉन वाले अपनी स्किन पॉलिश में यूज़ करती हैं। तो चलिए जी, वीडियो की तरफ चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लीच की। मैं यहाँ पर ये वाली सॉफ्ट रोज की क्रीम ब्लीच जो है वो यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉइंट बताती चलूँ, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो डेवलपर वाली ब्लीच को हमेशा अवॉइड करें, वो क्रीम ब्लीच ही यूज़ करें। अगर वो डेवलपर वाली ब्लीच यूज़ करेंगे तो उनकी स्किन पर रैशेज हो सकते हैं, उनकी स्किन पर रेडनेस वगैरह हो सकती है। तो आपने क्या करना है इस सूरत में, आपने जो क्रीम वाली ब्लीच को ही प्रेफर करना है। तो चलें गर्ल्स स्किन पॉलिश बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे ब्लीच, इसको मैं डिब्बे से निकालती हूँ। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, ये देखें जी। इसके अंदर ये एक जार होता है क्रीम का, ब्लीच क्रीम का, ये देखें इतना, और साथ में इसके दो पाउडर हमें मिलते हैं, ये देखें जी, ये दो पाउडर होते हैं इसमें ब्लीच के। तो चलें जी, अब हम लेंगे ब्लीच। ये देखिए, मैं आपके सामने ही इसे ओपन करके आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से पिंक कलर की क्रीम ब्लीच है। तो जी, ये मैं लूंगी 1 टीस्पून भर के इस तरह से क्रीम ब्लीच का, इतनी क्वांटिटी में ले रही हूँ। ये देखिए जी, इसको मैं इस तरह से एक क्लीन बाउल लूंगी और उसमें मैं इसे ट्रांसफर कर लूंगी। ये देखिए जी, हमने यहाँ पर क्रीम ब्लीच ली है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो कि हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, वो है जी ये स्किन शाइनर। सॉफ्ट टच का ही मैं यहाँ पर स्किन शाइनर यूज कर रही हूँ। स्किन शाइनर की मैं क्वांटिटी ले रही हूँ 1/2 टीस्पून। ये देखिए जी, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है स्किन शाइनर। सेकंड पे जो मैं इसमें चीज ऐड करूंगी वो है जी सूथिंग लोशन। ये सारे मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं स्किन पॉलिश के। ये देखें जी, सूथिंग लोशन का भी मैं 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करूंगी। अब जी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ वाइटनिंग बूस्टर, ये देखें, इसका भी मैं 1/2 टीस्पून ही इसमें ऐड करूंगी। अब जी हम ऐड करेंगे वाइटनिंग पाउडर, ये भी सॉफ्ट टच ब्रांड का ही है, इसे भी मैं 1/2 टीस्पून ही इसमें ऐड करूंगी। लेकिन इस तरह से कुछ वाइट कलर का होता है, ये भी मैं 1/2 टीस्पून ही इसमें वाइटनिंग पाउडर ऐड करूंगी। अब जी हम ऐड करेंगे जो ब्लीच के साथ हमें ब्लीच का पाउडर मिलता है, वो इसको भी मैं भर कर लूंगी टीस्पून। ये देखें जी, मैंने जी 1 टीस्पून ही ब्लीच का लिया था भर के, और मैंने 1 टीस्पून ही इसमें ब्लीच का पाउडर ऐड किया है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो उसकी क्वांटिटी को हाफ कर देंगे। अगर आपने 1 टीस्पून ब्लीच ली है तो आप 1/2 टीस्पून जो है उसका पाउडर लेंगे, यानी कि बूस्टर। अब जो इसमें मैं लास्ट इंग्रीडियंट यूज़ करूँगी वो भी सलोन का बहुत ही सीक्रेट इंग्रीडियंट होता है, वो है जी व्हाइटनिंग कैप्सूल। मैं इसमें 2 व्हाइटनिंग कैप्सूल ऐड करूंगी। तो जी मैं 1st व्हाइटनिंग कैप्सूल इसमें ऐड करूंगी, सीजर की हेल्प से मैं इसे हल्का सा ऊपर से कट करूंगी। ये देखें जी, और इसी तरह से मैं इसमें 2nd कैप्सूल ऐड करूंगी। 2 मैंने इसमें व्हाइटनिंग कैप्सूल ऐड किए हैं। ये थे जी इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि सलोन वाली आपसे छुप के पॉलिशर बनाती हैं, भी मैं आपको इसे क्लोज करके भी दिखाती हूँ। तो जी, ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमने स्किन पॉलिश में यूज़ किए हैं, क्योंकि सलॉन्स में भी यही स्किन पॉलिश यूज़ की जाती है स्किन को वाइटनिंग देने के लिए और ब्राइटनिंग देने के लिए। तो चलिए जी, अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए जी, मैंने स्किन पॉलिश को अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है।
अब मैं इसे अपने फेस पे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। बी केयरफुली, आपने इसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। अपने अपनी आईब्रोज को अच्छे से बचाना है कि आपके आईब्रोज पे बिल्कुल भी ना लगे। इस एरिया पे आपने थोड़ी थिक लेयर लगानी है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं वो अच्छे से जो है गोल्ड हो जाए। तो जी, मैंने अपने फेस पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है और मैं इसे स्टे दूंगी 15 मिनट्स के लिए अपने फेस के ऊपर। 15 मिनट्स के बाद मैं वापस आती हूँ। तो जी, आफ्टर 15 मिनट्स के बाद जो ब्लीच है वो अच्छे से फूल चुकी है और अब मैं आपको उसको रिमूव करके इसका रिजल्ट चेक करवाती हूँ। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आया है। ये देखें जी, अच्छे से मैंने सारी ब्लीच को अपने फेस से जो है वो रिमूव कर लिया है और आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त और इतना ऑसम रिजल्ट आया है मेरे फेस पे इस पॉलिशर का। तो जी, ये देखें, मैं आपको क्लोज होके भी अपने फेस पे इसका रिजल्ट चेक करवाती हूँ कि कितना ऑसम और कितना मज़े का जो है मेरे स्किन पे इसका रिजल्ट आया है। तो जी, YouTube की हिस्ट्री में आपको इस तरह की स्किन पॉलिश ब्लीच किसी ने भी नहीं बताई होगी। अगर आपको किसी ने वाइटनिंग बूस्टर का बताया होगा स्किन शाइनर सूथिंग लोशन के साथ, तो आपको वाइटनिंग कैप्सूल का और इस वाइटनिंग पाउडर का आपको बिल्कुल भी नहीं बताया होगा। तो जी, मैंने आपको आज कंप्लीट गाइड किया कि किस तरह हम अपने सलोन्स पर भी ब्लीच करते हैं जो कि स्किन पॉलिश ब्लीच होती है। स्किन पॉलिश में जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, जो कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं सैलून वालों के, वो मैंने सारे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर लास्ट में हिट कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जी, मिलूंगी मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।